ओके तो गाइस, आज हम आ चुके हैं एक ऐसे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर जिस वर्ल्ड में एक भी ट्री नहीं है और एक भी हॉस्टल मॉब्स हमें देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, हम आ चुके हैं डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में अपने हार्डकोर भैया के साथ। जी हाँ गाइस, हार्डकोर के साथ, वो भी डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में। और यहाँ पर हम एक से एक दिन से लेकर 50 दिनों तक सर्वाइव करने वाले हैं, जिसमें हमारे कुछ गोल्स भी होने वाला है, जैसे कि एक डायमंड का आर्मर बनाना और डायमंड के टूल्स बनाना। और अगर वो एंचेंटेड नहीं होंगे फिर भी चलेगा, कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एंचर कर देंगे यार, क्या फ़र्क पड़ता है वैसे। और दूसरा गोल है हमारा एंडर ड्रैगन को ख़त्म करके फिलर लेने के लिए जाना। और फिर तीसरा गोल है एक रेड फार्म बनाना, मेरा मतलब है टोटम के लिए रेड फार्म, छोटा मोटा होगा फिर भी चल जाएगा, कोई हमें बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और फिर हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक हमारे लिए प्यारा सा घर बनाना, छोटा मोटा होगा फिर भी चलेगा, बड़ा होगा फिर भी चलेगा, मैं ज़्यादा तो कोशिश करूँगा बड़ा ही बनाऊँगा। वाट भाई, स्पॉन पॉइंट पर रोइंग पोर्टल, ऐसा स्पॉन तो मुझे कभी नहीं मिला, देखते हैं चेस्ट में क्या है। और घटिया आइटम, फिर से घटिया आइटम, और एक सेकंड, हो मैं फॉर्चून 3 कौन देता है बे, पिकैक्स दे दी होती बेफालतू में, अच्छा डालू क्या मैं इसका, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत माइनिंग करके देख लेते हैं। वैसे हो पे अगर हम फूड को वो क्या करते हैं, वो प्लेस करते हुए तोड़ते हैं ना फार्मिंग, उससे ज़्यादा मिलता है क्या? और ये गोल्ड का ब्लॉक दिया है, हो सके टूटने से रहा। सो अब थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो ट्री की सैपलिंग है वो भी हम लेते लेते चलेंगे, वैसे तो रास्ते में हम यहाँ पर ट्री का, मेरा मतलब है स्टिक्स का, कोई और वुड का, कोई और भी स्पॉन पॉइंट नहीं होता, ये डेजर्ट ओनली वर्ल्ड है, डेजर्ट में ट्री स्पॉन नहीं होता, क्योंकि ये स्टिक्स के लिए तो यही सिर्फ मेन है, क्योंकि वुड तो हमें कैसे ही मिल जाएगा, अगर कोई विलेज मिल जाए, और ये केव से मैं जाऊंगा वैसे तो मैं कह रहा था अगर हमें कोई विलेज मिल जाए तो हम वहाँ से गोलम को ख़त्म करने के बाद भाई विलेज भाई, वहाँ पर हमारा स्पॉन पॉइंट, यहाँ पर विलेज लिटरली भाई, यार ये स्पॉन पर मुझे कुछ गड़बड़ तो नहीं लग रही, नहीं यार क्या करूँ भाई, मैं क्या बोलूँ यार। चलो अब इस विलेज में अगर गोलम और कैमल हुआ तो हमारी लॉटरी लग जाएगी, वैसे देखते हैं। और गोलम को ख़त्म करने के बाद मैं इसे डायमंड मारने के लिए जाऊँगा, कि डी हमारे पास बहुत कम है और काम ज़्यादा है। बट कैमल तो है अगर, और गोलम है क्या भाई, गोलम भाई वो है इधर ही है, चलो कोई बात नहीं, ऐसे नीचे जाओ पहले तो। अरे ये लो भाई, पहले गोलम को मारो भाई, गोलम को मारो, और आयरन लोग चमचमाते हुए आयरन, जिसको हम वैसे तो स्टोन की पिकैक्स से माइन करते हैं, लेकिन स्टोन हमें चाहिए वुड की पिकैक्स से, और वुड चाहिए हमें पेड़ से, यानी कि जो कि यहाँ पर नहीं मिलेगा। और ये लो भाई, मुझे पता था मैंने एक ब्लॉक ज़्यादा लगाया, 3 ब्लॉक का होता है ये, और 3 ब्लॉक से मारते हैं और फटाफट इसको मार देते हैं, ये फालतू में टाइम को हम स्पेंड नहीं करेंगे, वैसे टाइम कम है काम ज़्यादा है। सो ओके, तो अभी ये ख़त्म भी हो चुका है, मुझे लग रहा है कि आपको मुझे कुछ झटका सा महसूस हुआ होगा, चिंता मत करो, मैंने वो स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया था, इसकी वजह से आपको जो स्पीड, ओके तो यहाँ पर अभी हमने पूरे के पूरे विलेज को लूट लिया है, और फिर यहाँ पर एक पिकैक्स भी बना लिया है आयरन की, और यहाँ से अभी मैं जाने वाला सीधा डायमंड माइनिंग के लिए, और ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर अभी मैंने पूरे के पूरे किया गाइस, एक स्टैक डायमंड माइनिंग कर लिया है मैंने, जी हाँ गाइस, पूरा का पूरा एक स्टैक डायमंड माइनिंग कर लिया मैंने। और यहाँ पर सभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैंने एक मोड भी लगा दिया है, जिसकी वजह से हमें एक मिनी मैप देखने को मिल जाए, और हेल्थ भी देखने को मिल जाएगी, वैसे भी इस मैप में मैं मॉब्स देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने इसलिए लगाया था कि अगर आगे लावा हो तो हमें पता चल जाए, क्योंकि इस वर्ल्ड को मैं ऐसे तो ख़त्म करने से रहा। और यहाँ पर पहले डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल्स बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बाहर जाके मैं नहीं चाहता कि बाहर आके रात हो और फिर कोई मॉब हम पे हमला कर दे और ये वर्ल्ड ही ख़त्म हो जाए। वैसे टोटम आ जाने के बाद तो कुछ भी नहीं करेगा, वैसे फालतू सामान फेंको। और यहाँ पर अभी हमारा सब कुछ रेडी होने के बाद भी हमारे पास 34 डायमंड्स बच रहा है, जो कि यहाँ पर अभी ऐसे ये मोड के बारे में बता रहा था कि इस मोड में हमें प्लेयर्स की हेल्थ, मॉब्स की हेल्थ सब कुछ देखने को मिलता है, जैसे अभी आपको दिखा होगा वो बैट
की हेल्थ, जो कि 3 हार्ड होती है सिर्फ। चलो यहाँ से पहले अभी बाहर जाऊँ, मुझे पता है वो आपको अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन वो ऑफ एंड अभी काम नहीं कर रहा, क्या ही कर सकते हैं। तो कि मैं देखूँगा यार क्या सेटिंग है वो सब, पहले तो ये सब ख़त्म कर दिया है। और आपको मूड कैसा लगा वो भी कॉमेंट में ज़रूर से बताना। ये लो भाई, हम बाहर जाने का रास्ता तो मिल गया, और फटाफट से बाहर चलते हैं। वैसे इस मूड में हमें वैसे बहुत कुछ मिलता है, ये डायमंड का आर्मर, उसकी हेल्थ देख सकते हो, वैसे अभी बनाई इसलिए 100% है। पिकैक्स की हेल्थ तो बहुत, और ये अभी 10 दिन हो गए भाई डायमंड माइनिंग करते करते। और यहाँ पर अभी क्या है भाई, पहले हम एक अब जाएंगे हमें नेदर पोर्टल बना के नेदर के अंदर, क्योंकि अभी हमें एक एंचेंटिंग टेबल भी बनाना पड़ेगा। और एंचेंटिंग टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए ऑप्सीडियन, ऑप्सीडियन को माइन करने के लिए। वैसे ये पिकैक्स तो है, और ये है आज से हमारा एक घर, क्योंकि ये क्राफ्टिंग टेबल पहले हम यहाँ रखते हैं, निकालो पहले क्राफ्टिंग टेबल इन्वेंट्री में से। यहाँ पर पहले एक फर्नेस बनाओ, घर में फर्नेस होना जरूरी है भाई आयरन को स्मेल करने के लिए। वैसे हमारे 3 आयरन है वैसे, जो कि मुझे मिल गए थे। वैसे वाई लेवल 58 पे आसानी से नहीं मिलते हैं आयरन, ऊपर की वजह में आसानी से मिल जाते हैं। और यहाँ पर चेस्ट रखो, ओके। तो अब जितना भी सामान है वो सब चेस्ट में रख देते हैं। इन्वेंटरी खाली करो, कि अब हम जाने वाला है वो उसके अंदर नेदर पोर्टल के अंदर, तो हमें वुड भी चाहिए होगी, और वुड सिर्फ नेदर से मिलती है हमें, ओवरऑल में तो वुड मिलने से रही। और लेदर के लिए भी हॉगलिंग होम शिकार बना लेंगे, कौन मना कर रहा है वैसे। ओके तो यहाँ पर आयरन अभी एक, ओके हो गया, ले लो भाई हो गया 3 आयरन स्मेल्ट। और ये लो भाई, ये बना दी हमने हमारी एक प्यारी सी वाटर, मेरा मतलब बकेट, वाटर भर दूंगा तो हो जाएगा वाटर बकेट, कौन ही भाई मना कर रहा है। ये फालतू का सामान पहले अंदर रखो, ओके। तो यहाँ पर अभी पानी को यहाँ पर अभी मैंने डाल दिया है, मुझे पता होगा क्या चौंक गए होंगे आप, क्योंकि यहाँ पर वैसे ऑक्सीजन तोड़ो मुझे पता है बहुत देर लगने वाली है भाई, वो भी डायमंड की पिकैक्स है, अगर नेदर की होती तो थोड़ा कम टाइम लगता, वो भी एफिशिएंसी 5 के साथ। ये लो भाई 2 भाई, एक साथ दो ब्लॉक टूट गए थे। चलो फटाफट से इसको निपटा देते हैं। ये लो भाई टूट भी गया, और यहाँ से हमारे ऊपर जाने का रास्ता है, जो कि बहुत यो है भाई, जो कि मैं इसी में आपकी मदद से यहाँ पर आया था, इसको देखते देखते देखते, इस लावा पुल को देखते देखते देखते। ओके तो यहाँ पर अभी मैंने सब कुछ कर लिया है, नेदर पुटर बना लिया है, जो कि हम सोने के बाद जाएंगे नेदर के अंदर। लेकिन मुझे पता है नेदर के अंदर कोई रात या सुबह तो कुछ होता नहीं है। और ये लो भाई इस, ओके भाई सो भी गया। चलो वैसे सो नहीं पा रहा था मैं, एक सेकंड, ये कुछ फालतू का सामान अभी हम अंधे रख देने वाले हैं। एक चलो कोई बात नहीं, वैसे फालतू का सामान तो है, इन्वर्टरी खाली पड़ रही है पूरी। चलो कोई बात नहीं, अब चलते हैं सीधा नेदर पोर्टल के अंदर, मेरा मतलब है मौत के दरवाजे के अंदर। हाँ ये अभी मौत का दरवाज़ा ही है वैसे तो। और प्लीज़ घटिया स्पॉन ना मिले तो बहुत ही अच्छा है, ओवरवर्ल्ड की तरह। ओके भाई फिर से घटिया स्पॉन, थोड़ा अच्छा दे देते भाई, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं देते, थोड़ा सा भी अच्छा दे देते भाई। ओके गाइस, अभी मैं सोचा कि वापस जाने की, वापस घटिया स्पॉन मिला है, क्या ही करे क्या करे, लेकिन मैंने सोचा कि हम थोड़ा आगे एक्सप्लोर करके देखते हैं। और यहाँ पर आगे देखा तो ये क्या भाई, स्पॉन पॉइंट का पोर्टल, हमारा नेदर पोर्टल ऊपर, और यहाँ पर नीचे है फोर्ट्रेस भाई साहब। चलो फटाफट से नीचे चलता है फोर्ट्रेस अंदर। बच क्या भाई, 2 हार्ट सिर्फ, 2 हार्ट भाई साहब। मुझे लगता था ये सीरीज अभी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। नीचे ऑगलिन भी है भाई, ये क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं भूल गया है इसे, ऑगलिन ही कहते हैं ना। ओके तो गाइस अभी है यहाँ पर हमारा एक्सपी फार्म भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी तरह के वर्क भी कर रहा है, आप देख सकते हो। वैसे मॉब भी आना शुरू हो गया, वो एक एक
एक या हाफ हार्ट पे बचे हैं वो, और 21 वॉर में मर जाते हैं। और तो और फिर मैंने जो है फोर्ट्रेस में जाकर ब्लेज वॉर भी कलेक्ट कर लिया है वैसे। और तो और फिर वो क्या कहते हैं अंडरमैन वाली बायोम, क्योंकि नाम नहीं पता मुझे, मैं भूल गया यार नाम नहीं पता, एंडरमैन वाली बायोम उससे उसमें जाकर मैंने वो एंडर पर्स भी कलेक्ट कर ली है, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं थी, हमारे पास ही थी, क्योंकि मैप में नहीं दिख रही थी मुझे इसलिए। सो यहाँ पर से मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी देर एएफके करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ यहाँ पर एएफके करने के बाद, क्योंकि यार मेरे स्वॉर्ड भाई। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर हमारा पूरा आर्मर एंचाइट हो चुका है, आर्मर्स और टूल इंसाइट हो चुके हैं। यहाँ पर अभी मैंने आईओ फेंडर बिल्ड कर ली है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास एंटरमेंट नहीं है वैसे हमारे आर्मर्स और टूल पे। और तो और फिर मैंने एक बोई बना लिया है अनब्रेकिंग 3 पावर 3 और पंच 1 का। और यहाँ पर आईओ फेंडर बिल्ड करके थोड़े बहुत एरो भी जो मॉब से ही मिले थे, जो कि ऊपर एक्सपी फार्म है हमारा, जो कि सच बताओ तो एक बार टूट भी गया था और नहीं बनती क्या इससे, वेट नहीं बनती क्या, एक सेकंड सर्च करके देखते हैं। बोट की रेसिपी तो यही होती है ना, मुझे याद है भाई 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 यार नेदर की ओर से नहीं बनती क्या, बीच में समझ रहा है का तो क्या करूँगा मैं, चल के जाऊँगा, रात भी हो गई लो भाई लॉल, कोई बात नहीं चलो सो के चलते हैं भाई, एक सेकंड सो जाए भाई सो जा, रात हो चुकी है वैसे भी। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पर सुबह हो चुकी है अभी, सो फटाफट चलते हैं हमारे प्यारे वर्ल्ड को एंडन ड्रैगन के चंगुल से। ओके भाई इसी तरफ जा रही है, सो मैं कह रहा था कि हमारे प्यारे वर्ल्ड को एंडन ड्रैगन के चंगुल से छुड़ाने के लिए फटाफट किल करने के लिए और हमारा दूसरा गोल कंप्लीट करने के लिए। वैसे कंप्लीट तो तब हुआ जब हमारे पास इलाइट। ओके तो गाइस अभी एक जो आईओ फेंडर वो अभी अभी नीचे गई है, कि मैं लेके आया था 16 और अभी हमारे पास है 14, क्योंकि रास्ते में एक फूट गई, क्या ही कर सकते हैं। वैसे कॉबल्स लूँगा कि पहले रास्ता बंद करो वरना ड्राउन होकर यही भी मर जाएंगे। वैसे चलो फटाफट से चलते हैं नीचे, सो यहाँ पर अभी मैं नीचे जा ही रहा हूँ वैसे तो। ओके लो भाई हमें स्ट्रॉन्ग गोल भी मिल चुका है, फटाफट से स्पॉनर तोड़ो और यहाँ पर हमारे पास आईओ फेंडर लगाओ पहले तो, ये निकालो पहले। और तो और फिर अभी यहाँ पर जो एंड में जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर से मैंने जितनी भी बुक सेल्फ्स होती है वो सारी तोड़ ली, और यहाँ पर हमें चेस्ट भी मिली थी, उस चेस्ट में मुझे आई का टेम्पलेट भी मिल चुका है। वो क्या कहता है जो स्ट्रॉन्ग गोल में मिलता है ना उस टेम्पलेट को, मुझे तो सिर्फ टेम्पलेट लगता है वो, वैसे तो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता क्या ही फ़र्क पड़ता है, सिर्फ आई हम लोग को डिजाइन देने के काम आता है वैसे भी। सो फटाफट चलता है एंड के अंदर। और तो और फिर मैं अभी आपको पूरा तो नहीं दिखाने वाला कि मैं ऐसे 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 करता हूँ, ऐसे वो तो सबको पता है उस कितनी बार मारा हुआ है हम लोगों ने। सो फटाफट से आप छोटा सा टाइम लैप देख लो। ओके सो गाइस अभी मैं यहाँ पर पता नहीं कितने घंटों से सिर्फ ब्लॉक माइनिंग कर रहा हूँ फिर बिजिंग कर रहा हूँ, ब्लॉक माइनिंग कर रहा हूँ बिजिंग कर रहा हूँ। बीच में तो मेरी पिकैक्स भी टूट गई थी, और यहाँ पर अभी मैक्सिमम डीए चल रहा है वो 26 और वेट भाई यार भाई मुझे पता है नहीं मैं यहाँ पर ब्लॉक माइनिंग कर रहा हूँ बिजिंग कर रहा हूँ पिछले 1-2 घंटे हो गए भाई, बीच में मेरी पिकैक्स भी टूट गई, वापस से एंचेंट करनी पड़ी, और ये भाई मुझे लिटरली मुझे पता ही नहीं चला मेरे पीछे ही एंड सिटी है। वैसे कोई बात नहीं, हमें वैसे ही ब्लॉक तो माइनिंग करने ही पड़ते हैं, वैसे वहाँ ब्लॉक उसे जा तो सकते हैं नहीं हम वैसे। चलो हमारे ये फटाफट ब्रिजिंग करते हैं और चलते हैं फटाफट से हमारा पहला इलाटा लेने के लिए, क्योंकि अभी से मुझे एक भी एनसीटी नहीं मिली थी, और सिर्फ है भी कि नहीं वो भी दिख भी नहीं रही मुझे तो, वैसे भी ब्रिजिंग करने के बाद दिखेगी वैसे तो। चलो भाई वैसे बड़ी तो नहीं लग रही, छोटी ही है वैसे, मुझे लगता है उस तरफ होगी एनसीटी। ओके ओके प्लीज़ होनी चाहिए वैसे तो, नहीं होगी तो। ओके तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ वापस अपने घर, जो कि मैं 2 इलेट्रा 2 ड्रैगन हेड और बाकी सब सामान लेके आया हुआ हूँ। वैसे वैसे अभी मैंने आपको जो सिप दी जो एंड सिटी दिखाई थी उसमें कुछ भी नहीं था, वो उसमें सिप थी नहीं वैसे तो। अब आपस मुझे पता नहीं क्या करना पड़ा, ये हमारे 2 इलेट्रा 2 ड्रैगन हेड और इतनी सारी हमारी बुक्स। वैसे फटाफट से इलेट्रा पहनता है और देखते हैं हम लग कैसे रहे। और यहाँ पर अभी मैंने आर्मर को जो है वो पूरी तरह से एंचेंट नहीं किया, थोड़ा बहुत एंचेंट कर लिया है थॉर्न 3 और वो सब लगाकर। वैसे कैसा लग रहा है वो ज़रूर से बताना, और ड्रीम
से के साथ तो कैसा लग रहा है यार, मन वो भी बताना। वैसे यार यहाँ पर इतनी लूट है हमारे पास, 720 बुक्स भाई। और ये जो आपको एन्चेंटमेंट बुक देगी है वही मुझे लाइब्रेरी से मिली थी, स्ट्रॉन्ग होल्ड की लाइब्रेरी से, जिसमें लूटिंग 3 लगा हुआ है। लूटिंग 3 जो कि मैं इस वीडियो में कवर करना भूल गया, आप चिंता मत करो मैं दूसरे वीडियो में ज़रूर से कवर करूँगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रा पहन लिया है, लेकिन क्या करें, लॉ रॉकेट्स की कमी, और इसके बिना तो मैं कोई उड़ाने से रहा। सो चलो कोई बात नहीं, अपना दुख है किसी के साथ बांटने के लिए, अभी हमारा भाई भी नहीं है। कोई बात नहीं, वो भी आएगा, चिंता मत करो, वो भी एपिसोड 2 या फिर एपिसोड 3 से आएगा। मैंने उसे पहले से कहा था भाई आ जाना, लेकिन क्या ही करे अब। और ये भी घटिया सी डायनासोर दे रहा है, सापनेस 3 वाली। चलो ओके सो गाइस, अभी मैंने यहाँ पर एक 4x8 का एक एरिया बिल्ड कर लिया है। यहाँ पर 3x3 का 1x3 का एक एरिया बिल्ड करो अनलिमिटेड वाटर सोर्स के लिए। और यहाँ पर भी मैंने सामान भी कलेक्ट कर लिया है रेड फार्म का, जो कि आपको इन्वेंट्री में दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। और यहाँ पर अभी मैं जो इस वीडियो में बना रहा था, तब पता नहीं मैं किस धुन में था कि मैंने जो एक बाल्टी पानी लेने के लिए मैं सीधा वहाँ से यहाँ पर आया हुआ हूँ। और यहाँ पर भी मैं कूद कूद के लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्लॉक नहीं तोड़ रहा हूँ। वैसे ये लोग आए, उसमें तो कितने सारे रिक्वेस्ट भी ख़त्म हो गए। वैसे यहाँ पर एक नदी भी दिख रही है आपको, और यहाँ से ये नदी नज़दीक है या फिर वो हमारा फार्म, पता ही मैं किस धुन में कर रहा था। वैसे यहाँ पर विलेजर वाला एरिया 4 जो है वो डिक है। चलो यहाँ पर से एक ऐसे पानी डालो, और यहाँ पर से लेके एक ऐसे पानी डालो, और यहाँ पर ऐसे 2 ब्लॉक बनना चाहिए। और यहाँ पर से अब 1, 2 ब्लॉक 5 का एक एरिया बिल्ड करना है हमें, और उसके ऊपर हमें स्लैब्स लगाना है, जैसे कि ऐसे आप देख सकते हो। और यहाँ पर फटाफट से चलते भाई, अभी बिगड़ जाता वाटर सोर्स अगर निकालता नहीं तो। चलो और यहाँ पर 2 ब्लॉक बचा है, मतलब आपका फार्म अभी तक सही बन रहा है। वैसे यहाँ पर अगर नीचे लावा आएगा तो यहाँ पर एक साइन बोर्ड, यहाँ पर एक साइन बोर्ड नहीं, एक सेकंड, वैसे पिलेजर लावा आया अगर तो पिलेजर मर जाएगा ना भाई, नहीं एक सेकंड, यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर लावा आएगा भाई कैसे करूँ यार, भूल गया यार, एक सेकंड, वैसे यार लावा अगर 2 ब्लॉक ऊपर यहाँ पर आएगा तो साइन बोर्ड को एक यहाँ पर, और ऐसे करके मैंने पूरा बना लिया है जो लावा वाला सिस्टम था। और यहाँ पर से अभी मुझे जो है 27 ब्लॉक्स नीचे जाना है, 27 ब्लॉक्स। वैसे आपको लग रहा होगा 27 ब्लॉक्स क्यों भाई 27 ब्लॉक, वैसे तो हर वीडियो में हम जो एक्टिव फार्म बनाते हैं उसमें 20 ब्लॉक से डिग जाते हैं, और आप इसमें 27 ब्लॉक, क्योंकि हमारा जो पिलेजर और वो सब लोग होते हैं उसके जो हार्ट्स होते हैं वो बाकी सब मॉब्स की तरह 10 या 8 नहीं होते, जो कि पिलेजर इवोकर और पिलेजर विंडिकेटर और इवोकर उस सब के हार्ट्स जो है वो 13, 14 या 15 होते हैं, ऑलमोस्ट होते हैं तो 12 होते हैं, मुझे पता नहीं, वैसे मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की। और यहाँ पर अभी हम 20 ब्लॉक नीचे आ चुके हैं, और वापस ऊपर चलते हैं भाई। एक सेकंड लावा भाई, एक सेकंड बजी यार, एक वापस नीचे नहीं जाना, मैं लिटरली भूल गया था यार मैंने ऊपर लावा लगाया है। वैसे अगर ओपन होता तो मैं पता नहीं वापस कितनी दूर चला था, वापस आना पड़ता। यहाँ पर से फटाफट से नीचे चलते, मुझे पता है आपको पूरा काला काला दिखता पड़ा होगा, वैसे मीम को बोलने की ट्राई की थी मैंने, नहीं बोल पाया, चलो कोई बात नहीं, जो पूरा काला दिख रहा है आपको कोई बात नहीं। वैसे यहाँ पर अभी मैंने पास टॉर्च होती वो तो मैं लगा देता, लेकिन क्या ही कर सकते अब नहीं है हमारे पास। ओके तो गाइस अभी हमारा रेड फार्म रेडी हो चुका है। यहाँ पर अभी मैं बैड ओमन का इफेक्ट लेने के लिए गया था, ये लो भाई रेड स्टार्ट भी हो गई है हमारी। और ये हमारा रेड फार्म बहुत छोटा सा है, मुझे पता है बहुत छोटा सा है ये, लेकिन क्या ही कर सकते हैं अब कम सामान की मजबूरी हमारे पास। चेस्ट भी मैंने दोनों तरफ एक एक ही लगाई हुई है। यहाँ पर ये अब देख लो के समय इसका क्लीन चैम्बर और वो सब। यहाँ पर 2 हॉपर्स है जो एक इस चेस्ट में जाता है और एक दूसरी वाली चेस्ट में जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी पिलेजर्स आते ही होंगे। ये लो भाई लेटरा अभी टूटने को है, वेट एक सेकंड, मर कैसे गया ये, मरा कैसे, वैसे कौन सा मॉब था ये, मरा कैसे ये, कोई गड़बड़ हो गई क्या। वैसे एक सेकंड अभी आए तो पता चले भाई, मैप में भी कुछ नहीं दिख रहा। ओके 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 कुछ कुछ गड़बड़ नहीं, मुझे लगता है कोई दूसरा मॉब आ गया होगा।
वैसे जो हमारे मेहमान हैं पिलेजर्स, इवोकर और विंडिगेटर वीच, वैसे वो सब तो ठीक ठाक ही आ रहे, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। और ये कौन सी एडवांसमेंट मिल गई वैसे, इन इतनी सारी एडवांसमेंट करूँ भी क्या, कुछ रिवॉर्ड विवर्ड तो देते नहीं है। और हाँ, एक और ख़ास चीज़, जब मैं इन पिलेजर आउटपोस्ट पे गया था, मुझे वहाँ से ये दो सेंट्री आर्मर ट्रिम भी मिल चुके हैं। वैसे यही नाम था ना इसका, क्या नाम था पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर रेड का इंतज़ाम करते हैं। वैसे मैं सो के आ चुका हूँ और यहाँ पर अभी दूसरी रेड स्टार्ट हो रही है, और देखते हैं इस रेड में हमारे पास कितने मेहमान आते हैं, कितने ही वो कराते हैं वो सब। यहाँ पर भी मैं जो है वो एक एरिया बना दिया है ऊपर जाने तक का, यहाँ पर रिसोर्स पे भी करता दिया कि लैग बहुत हो रहा था, जो कि वेट ये कम कैसे हो रहा है भाई, अब एक सेकेंड, ओके ओके ये विंडी की तरफ भी आ गया। मुझे लगता है वो क्या कहते हैं, सांड मर रहा होगा, वैसे क्या करे अब, उस तो ऊपर लावा हमने इसीलिए लगाया। ओ पी भाई इवोकर, एक पैर, ये हमारे पहला इवोकर नहीं है, मुझे पता है कितनी बार आया हुआ है। दूसरा ओके, ये तो वीच थी भाई, एक रेड के अंदर दूसरा, मैंने अभी तक नहीं आया भाई दूसरा इवोकर, ए वो हाँ इवोकर, दूसरा इवोकर भाई, एक सेकंड, तीसरा इवोकर भाई एक रेड के अंदर, तीसरा इवोकर भाई साहब, ये कहाँ रह गया भाई, ये आखिरी वाला कहाँ रह गया, ओए तुझे बुलाने के लिए इनविटेशन भेजू क्या, आ जा भाई इस तरफ है भाई रेड फार्म इस तरफ है। वैसे एक काम करूँगा, नहीं ये तो बीच थी ना, मुझे लगा कि वो कर भाई, इसलिए मैं तुरंत चुप हो गया। मैं एक काम करूँगा, अपने टेस्टिंग वर्ल्ड में जाकर इस वर्ल्ड को समंदर में बनाऊँगा मैं, और स्पॉनिंग एरिया भी बनाऊँगा, फिर देखते हैं वो फटाफट से आते हैं कि नहीं, फिर हम इस वर्ल्ड में भी ऐसे बना देंगे। वेट, मेरे इन्वेंटरी में टोटम कहाँ से आया भाई साहब, तीन टोटम, इस चेस्ट में देखते हैं कि भाई आठ टोटम हो गए भाई, मैं यहाँ पर सिर्फ 10 से 15 मिनट एफ के रहा और आठ टोटम हमारे पास भाई साहब, खतरनाक रेड फार्म है भाई ये, खतरनाक ओके। सो गाइस, अभी हमारे चारों के चारों टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको लग रहा हो कि चारों टास्क कैसे कम्प्लीट हुए, अभी तो सिर्फ तीन काम ही पूरे हुए हैं, लेकिन मैंने वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए वो जो हमारा चौथा काम था, हमारा घर को बिल्ड करना, वो भी मैंने कम्प्लीट कर दिया है। वैसे चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे वैसे था वो घर ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर से जो कि हमारा रेड फार्म था उसके पीछे ही है, यहाँ पर से हमारी इलाटा की लॉन्चिंग स्टार्ट करते हैं। वैसे चलो यहाँ पर से मुझे उसमें तकरीबन 8 से 10 हज़ार वुड की ज़रूरत भी पड़ी थी, 8 हज़ार सिर्फ ऑक प्लैंक्स की ज़रूरत पड़ी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो वंडरिंग ट्रेडर होता है उससे मैंने सारी सैम्पलिंग्स बाय कर ली इमरस के बदले में, और ये है हमारा प्यारा सा घर। वैसे मैं इसे घर कहूँ या कैसल कहूँ, मंदिर कहूँ, क्या कहूँ, अब बहुत ही वो टाइप का है। यहाँ पर मुझे इसी बिल्ड को बनाने के लिए मुझे तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा आइटम्स की ज़रूरत पड़ी है। वैसे वुड्स को मुझे तकरीबन वुड लेने के लिए मुझे 10 घंटे वहाँ पर एव के रहना पड़ा, वुड को काटना पड़ा, और भाई इतनी मेहनत से बिल बनाए और ये किसने कर दिया यार, आने के रास्ते पे ही यार ये सब। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज वैसे मैं कह रहा था कि मुझे सिर्फ वुड को लेने के लिए, सभी तरह की वुड को लेने के लिए मुझे 10 घंटे एव के रहना पड़ा वहाँ पर, 10 घंटे, और ये बिल्ड हमारा कंप्लीट हुआ है। ये पूरा का पूरा बिल्ड हमारा कंप्लीट हुआ है तकरीबन 50 से 60 घंटे में भाई, ये गड्ढे किसने कर दिया यार। वैसे चलो कोई बात नहीं, वैसे तो ये सब लगा रहता है, ठीक ठाक कर दूंगा अभी, एक सेकंड इसमें निकालो पैसे, किसमें है हमारी, एक सेकेंड इसमें है क्या, दिखता है ये, खोलो इसे, ये रहा ओके, ये रहा हमारा वो क्या कहते हैं सैंडस्टोन, ये रहा। चलो फटाफट सभी इसको भी भर ही देते हैं, क्या करूँ अब, छोड़ सकता हूँ उन्हें, इतनी मेहनत से बनाए, 50 से 60 घंटे लगे थे मुझे इसे बनाने में, बिल्ड करने के सिर्फ 50 से 60 घंटे। यहाँ पर मैंने फायर वाला और वो सब भी बनाया, अपने आप में देख सकते हो कितना बड़ा है ये, कितना बड़ा है ये। वैसे इस मुझे इसमें जो कारपेट दिख रहा है आपको, वो कारपेट भी मुझे विलेजर से ट्रेड करने पड़े, फिर ये जो ग्रास बॉक है वो मुझे उससे वेंडिंग ट्रेडर से बिल्ड कर ट्रेड करने पड़े। यहाँ पर ये है हमारी राजा वाली गद्दी, कैसा दिख रहा हूँ वैसे,
यहाँ पर गोल्ड ब्लॉक्स भी लगे हुए हैं आजू बाजू। वैसे गोल्ड ब्लॉक के मुझे तो ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ नेदर में जाकर गोल्ड के जो नगट्स होते हैं उसको कलेक्ट करने पड़े, वैसे ज़्यादा कुछ तो मुझे करना नहीं पड़ा। वैसे यहाँ पर हमारे जो राइट साइड में है उस यहाँ पर ये सिटिंग एरिया, यहाँ पर ये हमारा ये भी सिटिंग एरिया ही है। फिर ये हमारा एक अल्ट्रा जॉइंट डाइनिंग टेबल, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी चेयर्स है, यहाँ पर प्रेशर प्लेट लगाई हुई है मैंने प्लेट की जगह प्रेशर प्लेट, वाह भाई क्या ही है। यहाँ पर जो आपको इतने सारे केक्स दिख रहे हैं वो भी मुझे फार्मर से ट्रेड करने पड़े। यहाँ पर मैं जो है वो क्या कहते हैं आइटम फ्रेम में वो चिकन्स वो रख देते हैं विलेजर्स, उसको रखने वाला था, लेकिन जो है वो विलेजर्स मुझे केक जो ट्रेड करने लगा, तो मैंने सोचा कि उसको रखने के जगह हम इसको रखते ज़्यादा अच्छा लगेगा वैसे। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये भाई कितना लंबा है, मुझे ये लेटर यूज़ करके आना पड़ा। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारी बड़ी सी लाइब्रेरी, यहाँ पर आप देख सकते हो वैसे हमारी जो बुक्स थी वो हमारी बुक थी सारी की सारी ख़त्म हो गई, जो मैं लेके आया था स्ट्रॉन्ग होल्ड से वो सारी की सारी। यहाँ पर मुझे उस स्ट्रॉन्ग होल्ड में दो दो लाइब्रेरी थी, मेरी इन्वेंट्री भर गई इसलिए सिर्फ एक ही लेके आया, वरना मैं उस लाइब्रेरी में दो लाइब्रेरी थी तो दोनों को लूट के ले आया था। वैसे मुझे इस बिल को बनाने के लिए लूट के लाना ही पड़ा। यहाँ पर ये लाइब्रेरी में सिर्फ ये वो क्या कहते हैं ये बैठ के पढ़ने का एरिया, वैसे मैं भूल गया था वैसे सच बताऊँ तो। वैसे ये एरिया तो छोटा ही है, लाइब्रेरी बड़ी होनी हुई है तो फिर क्या ही करें। अब यहाँ पर से हम ऐसे ऊपर जाके वो सब देख सकते हैं। यहाँ पर कॉबवे में मुझे इतना टाइम लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। वैसे यहाँ पर ये है हमारा ऊपर जाने का रास्ता, मतलब ऊपर हमारे पर्सनल रूम में जाने का रास्ता। वैसे वो रास्ता मैंने पिलर्स के अंदर से बनाया ताकि कोई देख ना सके। यहाँ पर है हमारी एलिवेटर ऊपर आने की, ये है हमारा पर्सनल एरिया ऊपर आने का, ये आप देख सकते हो ये है ऊपर आने का और वो है नीचे जाने का, दोनों अलग अलग पिलर से बनाए हुआ है। ये है हमारा रूम। वैसे दिन बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं। वैसे ये लो भाई मॉन्स्टर्स नियर बाय, वाओ भाई इतना बड़ा घर बनाया है, मॉन्स्टर्स तो हो गई क्या ही कर सकते हैं। वैसे घर कहूँ मैं कैसल कहूँ महल कहूँ क्या कहूँ आप ही बताना। वैसे एक चीज़ मुझे यहाँ पर इतनी सारी लैंटर्न लगानी पड़ी, क्या ही करें लैंटर्न लगानी पड़ी, और उसके लिए मुझे जो है वो माइनिंग तक करनी पड़ी, वो आयरन माइनिंग, जो कि अब ये है हमारी ये छोटा सा है पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है एक क्या कहते हैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर सेम टू सेम जैसा है वही यहाँ पर डैमेज लेते रहते पहुँचाऊँ, ये हमारा वहाँ पर जो सा था वैसा ही हमारा यहाँ पर भी है सेम टू सेम, कोई भी फ़र्क नहीं है। वैसे कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाई देता हूँ वैसे तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हमारा सिटिंग एरिया है, उस तरफ भी हमारा सिटिंग एरिया है। वैसे मुझे सिर्फ इस बिल को बनाने में 50 से 60 घंटे लगे थे, लिटरली बता रहा हूँ भाई, इतना टाइम मैंने आज तक किसी भी वीडियो में स्पेंड नहीं किया। वैसे मुझे 50 दिनों में ये बिल कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले बता देता हूँ, फिर मत कहना 50 दिनों में हो नहीं सकता, कुछ ज़्यादा ही दिन लग गए, वैसे 10 दिन ज़्यादा लग गए भाई। मैंने सोचा था 50 दिनों में कंप्लीट कर दूँगा, लेकिन नहीं 60 दिन लग गए भाई इस बिल को कंप्लीट करने के चक्कर में। एनीवेज गाइस अब कुछ नहीं कर सकते, सो कि अब हो गया तो चले गाइस आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता है जो कि। और हमारी एक और ख़ास बात कि हमारा जो आगे वाला सर्वाइवल था हमारा, जिसमें हमने एंडर में एक्सपी फार्म बनाया, ऑप्शन फार्म का वीडियो भी चल रहा था, वैसे मैंने उसके 10 एपिसोड तक तो बना लिए थे, लेकिन वो वर्ल्ड फिर हमारा करप्ट हो गया इसलिए अब आगे से उसकी वीडियो नहीं आएगी। सो अब कुछ नहीं कर सकते उस वर्ल्ड का, उस वर्ल्ड हमारा चला गया तो चला गया। सो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको इसका एपिसोड 2 चाहिए जो कि मैं लाऊँगा, उसके लिए कमेंट में ज़रूर से कर देना, और इस वीडियो पर हम लाइक गो रखते हैं 5 लाइक का, सो ज़रूर से कंप्लीट कर देना, मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे, आप में बहुत अच्छे लोग हो। सो चलिए।